हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज है 20 जुलाई और 20 जुलाई के सारे टॉप करंट अफेयर्स विद मैप एंड जीएस के स्टैटिक फैक्ट्स सब कुछ हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि हम लगभग 200 से 300 अलग से जीएस के फैक्ट्स भी रिवीजन करते हैं, क्योंकि ये जीएस के फैक्ट्स बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं इसलिए आपको देखना चाहिए। हमें आप फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों जगह फॉलो कर सकते हैं, फ्रेंड रिक्वेस्ट आप भेज सकते हैं और ये लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मिल जाएगा। तो आपकी जो भी क्वेरीज होंगी आप वहाँ पूछ सकते हैं। पहला क्वेश्चन है इंडियाज रैंक इन ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स। दोस्तों, रिस्क इंडेक्स जितने भी हैं, इंडेक्स निकलते हैं, वो सब के सब इम्पॉर्टेंट होते हैं और सबसे सवाल डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूछा जाता है। तो ये ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स जारी किसके द्वारा किया गया था? तो ये जारी किया गया था अमेरिका की एक रेटिंग एजेंसी है, कशमैन एंड वेकफील्ड। क्या नाम है उसका? कशमैन एंड वेकफील्ड। आपसे ये तो नहीं पूछा जाएगा लेकिन ये आपको ध्यान रखना चाहिए। और इसमें भारत की रैंक है 3। मैंने आपकी सहूलियत के लिए पहले से ही आंसर को कलर करके रख देता हूँ, ठीक है। और इसमें सबसे टॉप पर है चीन। मैन्युफैक्चरिंग सबसे ज़्यादा अगर कहीं होता है तो वो होता है चाइना का। दूसरे स्थान पर है अमेरिका और तीसरे स्थान पे है इंडिया, ठीक है। आपको ये ज़रूर याद होना चाहिए क्योंकि इसमें इंडिया तीसरे स्थान पे है। चलिए अगला क्वेश्चन है, टर्मरिक रिसर्च सेंटर विल बी ओपनड इन विच स्टेट। क्वेश्चन ज़रा ध्यान से देखिए, हल्दी अनुसंधान केंद्र की स्थापना किस राज्य में की गई है या की जाएगी, ठीक है। तो हल्दी अनुसंधान केंद्र बनाया जाएगा तमिलनाडु में। तमिलनाडु के सीएम हैं के पालनीस्वामी, सॉरी यहाँ के जो सीएम हैं उनका नाम है पनीर सेल्वम। तो यहाँ कन्फ्यूजन थोड़ा हो सकता है, जब मुझे हो गया तो आपको भी। पनीर सेल्वम तमिलनाडु के हैं और के पालनीस्वामी ये हैं केरल के, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आपको ध्यान रखना है कि बनवारीलाल पुरोहित जो हैं वो तमिलनाडु के गवर्नर हैं। अब आइए तमिलनाडु से क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है मैं आपको बता दूँ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अभी मछली के उत्पादन में कोई एक राज्य है जिसने अब टॉप स्थान अपना कर लिया है, वो है तमिलनाडु। पहले मछली का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता था गुजरात राज्य में, ठीक है। अब ये राज्य हो गया है तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है? चेन्नई। चेन्नई में पोर्ट भी है, एयरपोर्ट भी है, दोनों चीज़ें हैं चेन्नई में। अगली चीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि तमिलनाडु से किस किस राज्य की बाउंड्री लगती है? केरल की, आंध्र प्रदेश की और ये कर्नाटका की। तमिलनाडु से श्रीलंका कैसे अलग होता है? दो मुख्य रूप से स्ट्रेट और एक बे है, मतलब बे मतलब खाड़ी। तो बे ऑफ मन्नार और पाक स्ट्रेट, क्या नाम है? पाक स्ट्रेट और मन्नार की खाड़ी, ये दो जो हैं ये हैं भारत और श्रीलंका को जोड़ते हैं। अब अगली चीज़ जो आपको याद रखनी है, यहाँ के नेशनल पार्क्स जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो हल्दी अनुसंधान केंद्र जो नया बनेगा वो कहाँ बनेगा? तमिलनाडु में। प्लीज़ 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 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसको ज़रूर याद रखिए। और अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर करिए, साथ ही साथ जितने भी स्टडी ग्रुप्स हैं सब में भी शेयर करिए। तो आइए देख लेते हैं तमिलनाडु का। सबसे पहला जो नेशनल पार्क है तमिलनाडु का वो है मुदुमलाई नेशनल पार्क। इफ़ यू वांट टू नोट, नोट भी कर सकते हैं, मुदुमलाई मुकुर्थी। तीसरा है इंदिरा गांधी अन्नामलाई। चौथा है गुंडी नेशनल पार्क। पांचवा है गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क, ठीक है। ये सब नेशनल पार्क किसके हैं? तमिलनाडु के हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फैक्ट की तरफ। पोस्ट कोविड कोच किस जगह की रेलवे फैक्ट्री ने बनाया था? तो मैंने कल ही बात की थी, हालांकि आपको ये पता भी होगा, पोस्ट कोविड कोच जो है ये बनाया गया था कपूरथला रेलवे कोच फैक्ट्री के द्वारा, ठीक है, कपूरथला रेलवे कोच फैक्ट्री। अब रेलवे से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट जीएस के फैक्ट्स भी मैं आज रिवीजन कराऊंगा और
प्रोडक्शन सेंटर रेलवे के, जैसे कि पहिया निर्माण होता है बरेली में, ठीक है। वाराणसी में क्या होता है, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, डीजल इंजन का निर्माण किया जाता है वाराणसी में। तो ये सब इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो है ये जीएस के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं। मैंने जैसा ही कहा था, वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में अपने शेयर करें। पोस्ट कोविड कोच बनाया जाएगा कपूरथला में, और इसका नाम होगा पोस्ट कोविड कोच। इसकी खासियत क्या होगी, कोविड 19 से लड़ने के लिए स्पेशली डिज़ाइन किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। DCGI ने भारत में पहली बार किस बीमारी के वैक्सीन को पूरी तरह से मंजूरी दे दी है। DCGI हैज़ गिवन फर्स्ट टाइम कंप्लीट क्लियरेंस टू विच डिजीज वैक्सीन। अब ये DCGI है क्या, इसका फुल फॉर्म होता है ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना कब होती है, 2019 में 14 अगस्त को। तो ये बहुत न्यू एजेंसी है, ये दवाइयों को प्रमाणित करती है या वैक्सीन को, ठीक है। DCGI एक होता है, DGCI ठीक है, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, DGCA का मतलब, और इसका दोनों का अलग अलग है। तो आपको ये ध्यान रखना है, इसकी स्थापना हुई थी 2019 में, और निमोनिया के ड्रग्स को इन्होंने अभी कंप्लीट क्लियरेंस दे दिया। निमोनिया कैसे होता है, फेफड़े की बीमारी होती है, फेफड़े लंग्स में प्रॉब्लम होता है और ये सूजन आ जाता है, फेफड़े में पानी भर जाता है, ओके। अब आते हैं मुख्यालय इसका कहाँ है, DCGI का नई दिल्ली है, और इसके चेयरमैन का नाम आपको याद रखना है, चेयरमैन है VG सोमानी। क्या नाम है, VG सोमानी, ठीक है। और अगर आपको याद हो तो आपको मैं रिवीजन करा देता हूँ, कैंसर जो है ये सेल डिवीज़न की वजह से होता है, ठीक है, और मलेरिया जो है ये प्रोटोजोआ की वजह से होता है। इसी तरीके से एड्स डेंगू पोलियो इन्फ्लुएंजा चिकन पॉक्स ये सब वायरस की वजह से होता है, ठीक है, और स्लीपिंग सिकनेस ये प्रोटोजोआ की वजह से होता है, मलेरिया भी प्रोटोजोआ की वजह से होता है। तो ये सब आपको याद होना चाहिए। यहाँ जो जनरल साइंस की प्लेलिस्ट है उसमें जाएंगे तो इस पे वीडियो आपको मिल जाएगी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल डे ऑफ नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 18 जुलाई को, और इसे UN ने मनाने की घोषणा की थी। UN डे मनाया जाता है 24 अक्टूबर, क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को UN की स्थापना हुई थी। अभी इसके प्रेसिडेंट हैं एंटोनियो गुतरेस, जो कि पुर्तगाल से रिलेटेड है, पुर्तगाल के हैं। अब इस मंथ के कुछ इंपॉर्टेंट डेज़ को हम लोग रिविज़न करेंगे, ध्यान से देखिए, सुनिए, रिविज़न करिए। 1 जुलाई को राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस, और दूसरा जो दिवस था वो था चिकित्सा दिवस, मतलब डॉक्टर्स डे, पोस्टल वर्कर डे, डॉक्टर डे, ये था डॉक्टर डे की। इस बार थीम क्या थी, लेसन द मोर्टैलिटी ऑफ कोविड 19, लेसन द मोर्टैलिटी ऑफ कोविड 19। 1 जुलाई को चार्टर अकाउंटेंट डे भी मनाते हैं, और 1 जुलाई को वस्तु एवं सेवा कर दिवस भी मनाते हैं। तो 1 जुलाई को कुल 4 दिवस हो गए, पहला था डॉक्टर डे, दूसरा था पोस्टल वर्कर डे, तीसरा था GST डे, चौथा था चार्टर अकाउंटेंट डे। अब आप समझ गए बात, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 जुलाई को खेल पत्रकारिता दिवस मनाते हैं, गेम के जो जर्नलिज्म होते हैं उनके दिवस है 2 जुलाई। 4 जुलाई को है इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डे, इस बार का जो 4 जुलाई शनिवार को था, इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डे, और इस ईयर की थीम थी कोऑपरेटिव फॉर क्लाइमेट एक्शन, कोऑपरेटिव फॉर क्लाइमेट एक्शन। 4 जुलाई को है धर्म चक्र दिवस, अब ये धर्म चक्र किससे रिलेटेड है, तो बौद्ध धर्म से। 6 जुलाई को है विश्व पशुजन्य रोग दिवस, 7 जुलाई को है विश्व चॉकलेट दिवस, 11 जुलाई को है विश्व जनसंख्या दिवस, 12 जुलाई को है विश्व मलाला दिवस, और 15 जुलाई को है विश्व युवा कौशल दिवस, मतलब यूथ स्किल डे, ये है 15 जुलाई को। 18 जुलाई को है नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 26 जुलाई को है कारगिल विजय दिवस, 28 जुलाई को है हेपेटाइटिस डे, 29 जुलाई को है बाघ दिवस। इतने दिवस अगर आपको याद हैं तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी इसका मैं मंथली वीडियो लेके आता हूँ, आपकी रिविज़न वहाँ अच्छे से हो जाएगी। IT कंपनी HCL टेक्नोलॉजी के अध्यक्ष कौन बन गए हैं,
तो न्यू प्रेसिडेंट ऑफ HCL टेक्नोलॉजी ये बन गए हैं रोशनी नादर मल्होत्रा, HCL टेक्नोलॉजी की हेड बन गई हैं रोशनी नादर मल्होत्रा। अब ये HCL जो है इसकी स्थापना हुई थी 1976 में। इसका फुल फॉर्म क्या होगा? हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड, हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड की स्थापना हुई थी 1976। मुख्यालय आपको इसका याद रखना है HCL का, ये है नोएडा में, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। किस राज्य सरकार ने हेल्थ सर्विसेज ऑन योर डोर स्टॉप, एक सेकंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने हेल्थ सर्विसेज ऑन योर डोर स्टॉप कैंपेन लॉन्च किया है? हेल्थ सर्विसेज ऑन योर डोर स्टेप, ये कैंपेन लॉन्च बाई महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा कोरोना के केस हैं, आपको पता ही है। और ये जो है एक टीम पूरे महाराष्ट्र राज्य में घूमकर कोरोना का इलाज करेगी। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, CM उद्धव ठाकरे, गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी, मुख्य न्यायाधीश दीपंकर दत्ता। मुख्य न्यायाधीश जो है वो क्या नाम है इनका? दीपंकर दत्ता। लोकसभा सीट है कितने कितने? 48 सीट है। और राज्यसभा की कितनी सीटें हैं बताइए? 48। अब कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो मैं आपको आगे रिवीजन कराऊंगा बता देता हूँ। महाराष्ट्र के जो पड़ोसी देश हैं, पड़ोसी राज्य हैं, जैसे कि गोवा, कर्नाटका, तेलंगाना, तो ये रीजन है महाराष्ट्र का। और इस रीजन को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कोंकण तट। क्या कहते हैं? कोंकण तट। ओके, नेक्स्ट फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। गूगल ने जियो प्लेटफॉर्म में कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी खरीदी है? गूगल पार्टनरशिप इन जियो प्लेटफॉर्म, तो ये आप याद रख सकते हैं क्योंकि जियो जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक तरीके से अभी के न्यूज़ में रहा भी है, ठीक है। तो जियो प्लेटफॉर्म जो है ये है 7.73% गूगल ने खरीदी है। किस शहर में भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र में स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन किया गया? मतलब नेशनल ओशियन इन्फॉर्मेशन सर्विस सेंटर, इसका क्या है नाम? नेशनल इन्फॉर्मेशन सर्विस सेंटर NISC, स्वच्छता पखवाड़ा, मतलब स्वच्छता से रिलेटेड जागरूकता अभियान को स्वच्छता पखवाड़ा का नाम दिया गया है और ये हैदराबाद शहर में शुरू किया गया, ठीक है। इसी तरीके से इस बार का साइंस कांग्रेस जो था ये कहाँ आयोजित किया गया था? बेंगलुरु में। और वीमेन साइंस कांग्रेस का भी आयोजन किया गया है बेंगलुरु में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय प्रेस फ्रीडम पुरस्कार किन चार पत्रकारों को चुना गया? इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम अवार्ड। अब देखिए इसमें आपको इन चारों का नाम जहाँ भी दिखेगा आपको ऑल ही मारना पड़ेगा। आपसे क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जाएगा, या तो कितने पत्रकारों को दिया गया है, क्योंकि इस बार ये भी संभावना बनेगी, तो चार हैं। और अगर ये पूछा जाता है कि वो चार कौन कौन हैं, तो चार जो भी नाम रहेंगे आप एक बार देख लेंगे, शाहिद उल आलम, मोहम्मद मोहसिन, डेपो अल रेमी और सविटालाना परोकापिएवा। तो चार लोग हैं जिनका नाम आपको याद होना चाहिए। चारों के नाम बहुत कठिन है तो आपको ऑटोमेटिकली ये याद हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस राज्य में पोवा रिजर्व फॉरेस्ट को वन्य जीव अभयारण्य में तब्दील किया है? ये मैंने कल ही इस पर डिटेल वीडियो बनाया था और आपको बताया भी था। ये है असम। असम में काजीरंगा, मानस, मानेरी, ओरांग नेशनल पार्क हैं और इसी के एक पोवा रिजर्व फॉरेस्ट है जिसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया जाएगा, ठीक है, पोवा असम। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए। असम के रिलेटेड और भी चीज़ें मैं आपको रिवीजन कराता हूँ। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया गया था असम में ही, जिसे जीता था, टॉप किया था महाराष्ट्र ने। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कहाँ किया गया था? ये किया गया था कहाँ पे बताइए? तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन किया गया था उड़ीसा में। तो प्लीज़ याद रखो यार जितने भी फैक्ट्स हैं सबको। चलिए आगे बढ़ते हैं। कितने USIBC 2020 ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड जीता है? USIBC 2020 ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड वन बाई, तो इसमें जो हैं जिम ताइकलेट, एन चंद्रशेखरन, उमाकांत शर्मा, इन तीनों ने ये अवार्ड जीत लिया है, ठीक है दोस्तों।
अब आइए कुछ स्टैटिक फैक्ट्स जीएस के रिवीजन कर लेते हैं। उसके पहले एक क्वेश्चन छूट गया था, किस राज्य की पुलिस ने साइबर नामक वर्चुअल जागरूकता अभियान लॉन्च किया है? इसका नाम है साइबहर, साइब HER, ठीक है, यहाँ मैंने लिखा भी है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट नाम है, SCYBHER, ठीक है, साइबर में H अंदर से इंक्लूड है। और ये जो है वर्चुअल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है तेलंगाना के द्वारा, और तेलंगाना के द्वारा ये लॉन्च किया गया है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, यहाँ से रिलेटेड जितने भी रेलवे के फैक्ट्स हैं, रेलवे का हेडक्वार्टर, सब मैं आपको रिवीजन कराऊंगा। जैसे कि मैंने ट्रिक बताया था, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है, ये है जयपुर। नॉर्थ रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है, दिल्ली। नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है, गोरखपुर। नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है, गुवाहाटी। मैंने इस पे एक अलग डिटेल में मैप पे वीडियो बना दी है, तो अगर आपको ये फास्ट लग रहा हो तो आप वहाँ जाके ज्योग्राफी के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, मैं आई बटन पे इसको फिक्स कर दूंगा, ठीक है। बट यहाँ पे थोड़ा रिवीजन हम लोग फास्ट करेंगे। ईस्ट रेलवे कोलकाता, साउथ ईस्ट रेलवे कोलकाता हेडक्वार्टर है। ईस्ट सेंट्रल रेलवे, ईस्ट सेंट्रल करें, ईस्ट सेंट्रल फ्रंटियर रेलवे, ये है भुवनेश्वर। और SCR मतलब साउथ सेंट्रल रेलवे, ये है सिकंदराबाद। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये है बिलासपुर, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे। नॉर्थ ईस्ट रेलवे का है अलाहाबाद, ठीक है। सेंट्रल रेलवे का है मुंबई, और साउथ वेस्टर्न रेलवे का है हुबली। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको याद रखने चाहिए। वेस्टर्न रेलवे और सेंट्रल रेलवे, दो रेलवे का हेडक्वार्टर मैंने कहा था मुंबई, ये मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ, हिंदी में मध्य रेलवे और पश्चिमी रेलवे, दोनों का हेडक्वार्टर है मुंबई में। तो जितने भी फैक्ट्स मैं बताता हूँ विथ मैप, प्लीज़ उसको याद करिए और रिवीजन करिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि इसी से आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस IIT ने विश्व की सबसे COVID-19 डायग्नोस्टिक किट कोरोस्योर को डेवलप किया है? तो ये डेवलप किया गया है IIT दिल्ली के द्वारा, IIT दिल्ली के द्वारा ये कोरोस्योर डेवलप किया गया है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और VVI क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रिका प्रसाद संतोषी किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो चंद्रिका प्रसाद संतोषी ये जो हैं फ्रेंच गुयाना के राष्ट्रपति चुने गए हैं। और ये क्यों न्यूज़ में है, क्योंकि ये इंडियन ओरिजिन के हैं, ओके, इंडियन ओरिजिन के हैं। चलिए आगे बढ़ते, आपके लिए क्वेश्चन आज का है, इससे पहले फेसबुक और इंस्टाग्राम पे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको डेली क्विज ज्वाइन करनी हो, क्विज़ के लिए ज़रूर ज्वाइन करें टेलीग्राम, डेली क्विजेज चल रही हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट पूबा वाइल्ड लाइफ बायोस्फीयर रिजर्व अपग्रेड टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसका आंसर भी मैंने बताया है, तो अगर आपने देखा होगा तो आप समझ गए होंगे, आपको याद भी हो गया, और VVI क्वेश्चन भी है, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय फॉर नाउ।